नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। देश में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। इसी बीच शिवराज सिंह चौहान के कैबिनेट मंत्री अरविंद भदौरिया कोविड 19 से संक्रमित पाए गए हैं। इसके बाद उन्हें देर रात भोपाल के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के मुताबिक उनमें कोरोना वायरस संक्रमण के कोई लक्षण नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। गौरतलब है कि मंत्री भदौरिया बुधवार को ही कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए थे। इसके साथ ही वे लखनऊ में राज्यपाल लालजी टंडन के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुए थे। अब इनके संपर्क में आए सभी लोगों को एहतियात के लिए क्वारंटाइन में रहने के लिए कहा जा रहा है और सभी की कोरोना जांच की जाएगी। हमारे कर्तव्यनिष्ठ रिपोर्टर नीरज श्रीवास्तव, जो खुद कोरोना पॉजिटिव हैं, उन्होंने अरविंद भदौरिया से चर्चा की। मैं कोरोना पॉजिटिव पाया गया हूँ, हालांकि कोई लक्षण नहीं थे, फिर भी एहतियात के तौर पर हल्की सी गले में खराश थी। मैंने कल टेस्ट कराया, उसकी रिपोर्ट आई है। देर रात करीब 12:30 बजे मुझे प्राप्त हुई है। मैं रात को स्वयं भी हॉस्पिटल आकर भर्ती हो गया हूँ और ईश्वर की कृपा से अभी स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ, अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मुझसे जो हाल के दिनों में संपर्क में आए हैं, आप भी अपना कोविड टेस्ट कराएं, घबराएं नहीं। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें। जो सरकार के नियम हैं, जो रूल रेगुलेशन है कोरोना से संबंधित, उनका फॉलो करें।